हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो इस वाली वीडियो में हम बात करते हैं मॉडल्स के बारे में। तो मॉडल्स बेसिकली क्या है कि यदि मान लीजिए कि आपने अभी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली है, ठीक है, अब आपको प्रोजेक्ट पे काम करना है। ओके, तो प्रोजेक्ट पे करने के लिए आप क्या करोगे कि जो भी प्रोजेक्ट होगा उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करोगे। भाई उसके पहले फंक्शनैलिटी देखोगे कि वो प्रोजेक्ट क्या क्या करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करोगे और उसके बाद उसका कोड करोगे। ओके, तो जरूरी नहीं है कि आप एक ही पेज में करो, तो आप उसे अलग अलग पेज में लिखोगे, अलग अलग फाइल बनाओगे, पाइथन फाइल अलग बनाओगे, एक्सएमएल फाइल अलग बनाओगे, तो ऐसे फाइलें बनाओगे। ओके, तो जरूरी नहीं है कि आप अलग अलग पेज में लिखो, एक पेज में भी लिख सकते हो, लेकिन लिखने से कोड की रीडेबिलिटी नहीं बढ़ती है, तो इसलिए आपको अलग अलग पेज में लिखोगे। तो अब अलग अलग पेज को हम यहाँ पर बोलते हैं मॉडल्स। ओके, एग्जाम्पल से देखते हैं कि हम भी एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम एड टू नंबर का। तो यहां पर मैंने ले लिया a इक्वल टू 12 एंड b इक्वल टू ले लिया है 8। ओके, अब हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमने एक और फाइल बना लेते हैं यहाँ पर। तो वैसे तो मैंने add.py से फाइल बना रखी है, लेकिन फाइल बनानी है तो आपको यहाँ पर क्लिक करो, राइट क्लिक आपके प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पर न्यू पे जाके आप पाइथन फाइल, HTML फाइल, जो भी आप बनाना चाहते हो बना सकते हो, और यहाँ से फाइल में उसके बाद जो भी आप फाइल बनाना चाहते हो बना सकते हो। तो हम add.py में जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं फंक्शन एड टू नंबर्स का। तो यहाँ पर एड के अंदर मैं दे देता हूँ ए एंड बी, और यहाँ पर हम कर देते हैं रिटर्न ए प्लस बी। ओके, तो अब हमने फंक्शन कहीं और बना लिया है और हमारे वेरिएबल्स जो कहीं और है, तो हम उसे एक्सेस कैसे करें? एक्सेस करने के लिए उसे इस फाइल के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम या तो इंपोर्ट यूज कर सकते हैं, इंपोर्ट और ऐड, या तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं इंपोर्ट ऐड, और फिर इसके बाद इसको, इसके आंसर को हम वेरिएबल में सेव करेंगे c इक्वल टू। तो यहां पर तब हमने पूरी फाइल को इंपोर्ट किया, तो हमें फाइल के नेम से डॉट जो हमारा फंक्शन है उससे कॉल करना पड़ेगा ऐड, एंड यहां पर हम दे देंगे a एंड b, और यहां पर प्रिंट कर देंगे हम c को। अब हम रन करके देखते हैं, तो as you can see हमारे पास 20 आंसर आ रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि यार ये बार बार हमें, यदि मान लीजिए मुझे सब्ट्रैक्ट कले करना होता तो एड डॉट सब्ट्रैक्ट करता मैं, तो चल मान लीजिए हम सब्ट्रैक्ट का भी एक फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर। सब बी एंड रिटर्न कर देगा ये हमें ए माइनस बी। ओके, तो अभी मुझे सब्ट्रैक्ट के लिए भी करना है, तो मैं कैसे करूंगा, हम एक और में ले लेते हैं एड डॉट सब, और फिर मुझे यहाँ पर ए एंड बी देना होता। ओके, और यहाँ पर यदि मैं डी दूं, मैं रन करता हूँ, तो एज यू कैन सी हमारे पास सब्ट्रैक्ट वैल्यू आ गई है। लेकिन हमें हर बार क्या है कि जो भी मॉडल का नेम है उसे लिखना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पर मैं ऐड लिख रहा हूँ क्योंकि ये ऐड डॉट पी वाई है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे फ्रॉम। फ्रॉम कहाँ से करना है हमें, तो हमें ऐड से करना है, ऐड इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट के बाद आप जब कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो आपके पास जितने भी फंक्शंस है वो सारे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे हमने सब और ऐड के नाम से दो फंक्शन बना रखे, या तो आप एक एक को मैन्युअली भी कर सकते हो, और नहीं चाहते तो सिंपल स्टार का यूज कर लीजिए। जैसे स्टार का यूज करोगे वैसे ही ये सारे के सारे फंक्शंस को आपके लिए अवेलेबल कर देगा। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 4 आ रहा है। यदि मैं सी को प्रिंट करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास 20 आ रहा है। तो
आई होप आपको मॉडल समझ में आए होंगे। इफ यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इफ यदि यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और नए हो तो यार बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाओ। थैंक यू।